और कॉम्रेड रविन्द्रनाथ राय ने भी पार्टी कांग्रेस और आज जो हमारी पार्टी फिर से आगे बढ़ रही है इसके बारे में आपको कुछ इशारा किया। साथियों, ये बात बिल्कुल सही है, कॉम्रेड रविन्द्रनाथ ने बिल्कुल सही कहा कि आज कोल्लम पार्टी कांग्रेस के बाद हमने जो रास्ता चुना है, जो फैसले किए हैं, वो फैसले न सिर्फ हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सही समय पर हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के सामने और समूचे देश के सामने एक नया रास्ता भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में हम किस तरह से संघर्ष करें, किस तरह से आज हमारे देश में जो सरकार है उसे बदलें और एक नई बेहतर सरकार का गठन करें ताकि आज जिस कब्जे में हम हैं, दक्षिणपंथी पूंजीवादी ताकतों के, उससे देश को आजाद किया जाए, इसके बारे में हमने एक नई दिशा दी है और इस दिशा को पहली बार काफी लंबे अरसे के बाद पहली बार दूसरी वामपंथी पार्टियां सीपीआईएम, सीपीआई माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआई तथा अन्य वामपंथी पार्टियां भी महसूस करने लगी हैं सीपीआई जो कह रही है वो आज देश की सच्चाई। उनके प्रतिनिधि आए थे हमारे महाधिवेशन में और उन्होंने लगभग वही बातें आज कही जो बहुत पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहती आ रही है। आज हमारा मुख्य दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और इसे हटाने के लिए हमें सभी ताकतों को, सभी पार्टियों को एक जगह लाना पड़ेगा। इससे पहले दूसरी वामपंथी पार्टियां इस बात को समझ नहीं पा रही, उनके दिमाग में उलझन थी, उनके अपने अपने सीमित दृष्टिकोण थे, लेकिन परिस्थिति ने सभी को इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया है कि आज इस देश में अगर हमने आरएसएस जनसंघ की सरकार को नहीं हटाया
तो इस देश को, इस देश की जनता को, सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी दलों को बहुत बड़ा खतरा है। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। इतना ही नहीं, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में और बिहार में जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, देश के दूसरे हिस्सों में, कहीं मुलायम की पार्टी है, कहीं लालू की पार्टी है, और पार्टियां, ममता बनर्जी की पार्टी है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ये सारी पार्टियां भी खतरे को महसूस कर रही हैं। ये सारे नेता भी अब बोलने लगे हैं कि विरोध की सभी पार्टियों को एक जगह आना चाहिए और एक जगह आकर इस देश में जल्दी से जल्दी अगले चुनाव में एक नई सरकार का चुनाव करना चाहिए, सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। इन बातों पर हम थोड़ा आगे और विचार करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने जिला सचिव ने संक्षेप में बताया कि केरल की पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की। लोग कहते हैं, हमारे भी कई साथी समझते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब कमजोर हो गई है, अब खत्म हो रही है, जिसका ना कोई एमएलए है, ना एमपी है, या बहुत कम है, विधानसभा में भी, देश में बहुत कम सदस्य हैं। लेकिन वो एक चीज नहीं जानते, चुनाव आप कई तरीके अपनाकर जीत सकते हैं। आप करोड़ों अरबों रुपया बहाकर चुनाव जीत सकते हैं। आप बड़े पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ गुप्त रूप से तालमेल करके भी, गठबंधन गठजोड़ करके भी चुनाव जीत सकते हैं। जातिवाद और संप्रदायवाद अपनाकर आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसे गलत समझती है। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम संप्रदायवाद नहीं करते हैं, हम पूंजीवाद की परस्ती नहीं करते, धन्ना सेठों की सेवा नहीं करते। हम ईमानदारी से खेत मजदूरों, किसानों, मेहनत करने वालों और मध्यम तबकों की सेवा करते हैं। हम ये समझते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की असली ताकत जनता के बीच में, और आज जो हमने लाइन अपनाई है, आज जो हमने समझदारी, हमारी नीति अपनाई है हमने, आज उसे दूसरी पार्टियां स्वीकार कर रही हैं और कह रही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह लाइन सही लाइन है। हमने अपने दस्तावेज में इस बात को लिखा है, आपको जब मौका मिले तो उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप यहां बैठे हुए साथी, पार्टी की जिला परिषद, अंचल समिति और ब्रांचों के साथी हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि जनता तक इन फैसलों को हम ले जाएं। केरल में जाकर हमने देखा कि वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी मजबूत पार्टी। हमारी पिछली पार्टी कांग्रेस जब हुई थी
2015 में, उसके बाद से केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आगे बढ़ी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ी है, जनता के बीच उसकी छवि में सुधार हुआ है और आज केरल की जनता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक सच्ची ईमानदार पार्टी के रूप में देखी। हमने देखा, जैसा कि साथी ने बताया, कि सारा का केरल सजा हुआ था पार्टी कांग्रेस के अवसर पर। कोल्लम शहर और कोल्लम जिला जो है, जहां यह पार्टी कांग्रेस हुई हमारी, 23वां महाधिवेशन हुआ, वो देश में सबसे बड़ी पार्टी यूनिट है। समूचे भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो सबसे बड़ी जिला इकाई है वो है कोल्लम जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। उस अकेले जिले में 31,000 पार्टी सदस्य हैं, 31,000। तो आप अपने यहां तुलना कर लीजिए, और अनुकरणीय है, उनसे सीखने की जरूरत। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, पूंजीपतियों से नहीं, धरना सेठों से नहीं, आम जनता से। पिछले एक साल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य घर घर गए, कोई घर नहीं छोड़ा समूचे जिले में और समूचे केरल में, जहां से पार्टी फंड इकट्ठा ना किया गया हो। हर घर ने, हर परिवार ने और लगभग हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ योगदान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी कांग्रेस के लिए किया। ये जनता का पैसा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महाधिवेशन करने के लिए और समूचे देश से जो हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए, एक हफ्ते तक उनके स्वागत, उनके रहने खाने, उनके उठने बैठने और पार्टी कांग्रेस में विचार विमर्श करने के लिए खर्च किया गया। ये एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, और इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें बिहार में भी ये तरीका अपनाना चाहिए, घर घर जाएं, जनता के बीच, आम लोगों के बीच, और जिससे जो बन सकता है उससे ये पैसा फंड इकट्ठा करें, जिसकी जो इच्छा है, क्षमता है। कम्युनिस्ट पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के ही पार्टी से, पैसे से चलना चाहिए। वहां एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में लाल किले की आकृति खड़ी की गई, लाल रंग की, और पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, संस्थापक हैं, जिन्होंने बलिदान देकर इस पार्टी को बनाया, उनके फोटो चारों तरफ लगे हुए थे, संघर्षों के फोटो लगे हुए थे, और जैसा कि कॉमरेड ने बताया, लाखों की संख्या में वहां आए। जो हमारी रैली हुई, जनता उमड़ पड़ी, उस मैदान भर गया, और जन सेवा दल लाल वर्दी धारी हमारे स्वयं सेवक लाखों की संख्या में करीब 4-5 घंटा परेड करते रहे, जब तक कि हमारी आम सभा चलती रही, नेताओं के भाषण हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और आम जनता कोल्लम और केरल की, उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। साथियों, आज देश की जनता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर देख रही है, इसे समझना चाहिए, यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए जनता के बीच जाने की जरूरत है। जनता के बीच एक सही राजनीतिक समझदारी और नीति लेकर जाने की जरूरत है। जनता हमारे लिए इंतजार कर रही है, अवश्य ही वो हमारे साथ आएगी, और हम आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पार्टी कांग्रेस में 810 प्रतिनिधि
शामिल हुए प्रतिनिधि के रूप में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, पत्रकार, अन्य लोग, नौजवान लोग शामिल हुए। महिलाओं की संख्या 81 थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस मीटिंग में महिलाओं की संख्या अन्य मीटिंगों से ज्यादा है। आज गरीब महिलाएं, खेत मजदूर महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं कम्युनिस्ट आंदोलन में, विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसे इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत। साथियों, अब मैं पार्टी कांग्रेस के कुछ निर्णयों के बारे में, कुछ फैसलों के बारे में और हमारी समझदारी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। कांग्रेस सचिव ने अपना वक्तव्य देते हुए पेट्रोल के दामों का उल्लेख किया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। क्यों बढ़ा दिए? जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, जब डीजल का दाम बढ़ता है, तो हर चीज का दाम, क्योंकि खाने पीने का सामान, हमारे इस्तेमाल की सारी चीजें, रेलगाड़ियों और ट्रकों और बसों में भर के जाती हैं। जाहिर है, जब तेल का दाम बढ़ेगा तो हमारे इस्तेमाल की हर चीज बढ़ेगी। सरकार ने यह तय किया है कि पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया उसने, इसके पीछे कारण क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। सरकार कहती है कि आज दुनिया के पैमाने पर तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। ये बात सही है, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार कहती है कि हमें भी दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, अभी कल तक, पिछले साल तक अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर तेल के दाम कम हो रहे थे। जब मोदी सरकार आई सन 2014 में, और इस बात को समझने की जरूरत है, जब मोदी सरकार आई, जब आरएसएस भाजपा की सरकार 2014 में आई, वो ऐसे समय में आई जब दुनिया में कच्चे तेल का दाम कम हो रहा था, जो मनमोहन सिंह के जमाने से शुरू हुआ और मोदी के आते आते सन 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर तेल के दाम बिल्कुल गिर गए। तेल के दामों की गिनती, उसका हिसाब प्रति बैरल के हिसाब से होता है। बैरल मतलब एक बहुत बड़ा डब्बा, जब तेल निकाला जाता है तो वो बैरल में बड़े बड़े घड़ों में भरा जाता है, उसको बैरल कहते हैं। तो प्रति बैरल सन 2014-15 में तेल का दाम घटते घटते $26 हो गया था, और बहुत लंबे समय तक मोदी काल में दुनिया के बाजार में तेल का दाम 30 रुपए बैरल प्रति बैरल था। तो अगर हम यही नीति अपनाएं कि जब तेल का दाम बढ़े तो हमारे देश में भी बढ़े, तो इसी हिसाब से, इसी तर्क से, जब तेल का दाम घटे तो हमारे भी देश में तेल का दाम, पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए था। तो हम ये सवाल करते हैं, और हमने इसमें लिखा है कि उस समय 3-4 सालों में जब तेल का दाम कम हो रहा था, तो मोदी सरकार ने दाम कम क्यों नहीं किया? ये मोदी सरकार का भाग्य है। आज जनता में उसके खिलाफ गुस्सा है, बहुत जनता नाराज हो रही है मोदी सरकार की नीतियों से। आज जनता की आंखें खुल रही हैं कि हमने किसको चुन करके भेजा,
खुद जो भाजपाई है, भाजपा के सदस्य वो भी नाराज हो रहे हैं, वह भी खुल करके बोल रहे हैं। वो दुकानदार जिन्होंने मोदी को वोट दिया, मोदी की पार्टी को वोट दिया, वो भी नाराज हो रहे हैं। अब उनको पता चल रहा। तो जब दुनिया में दाम कम हो रहे थे तो मोदी सरकार ने दाम क्यों नहीं किया? कम तब भी दाम बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़, आज तेजी से बढ़ क्यों बढ़ाए जा रहे थे? क्योंकि उन दामों को बढ़ाकर जनता से पैसा इकट्ठा किया गया। चीजों के दाम बढ़ाकर लोगों को लूटा गया और उस लूट से सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों नहीं अरबों अरब खरबों रुपए इकट्ठा किए और अपनी अपनी तिजोरियां भरी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांटा, गांव गांव में उनके कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिलें दी गई, चुनाव में काम करने के लिए पैसे पानी की तरह बहाए गए, वोट खरीदे गए, एमएलए खरीदे गए, एमपी खरीदे गए, सरकारें जबरदस्ती बनाई गई। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का राजनैतिक अर्थशास्त्र। हम सभी कम्युनिस्ट यहां बैठे हुए हैं और कम्युनिस्टों के नेता हैं अपने इलाके के, इसलिए हमें राजनैतिक अर्थशास्त्र देश की राजनीति का समझना पड़ेगा। ये दाम अपने आप नहीं बढ़े, इस सरकार ने बढ़ाए। इस सरकार ने इसलिए बढ़ाए क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों, तेल के व्यापारी और तेल के उद्योगपतियों की सेवा करने सन 2014 के चुनाव में हमारे देश के जो कारपोरेट घराने हैं, कारपोरेट उन्हें कहते हैं जो सबसे बड़े पूंजीपति होते हैं, जिनके हाथ में मुट्ठी भर, पूंजीपतियों के हाथ में देश का कारोबार होता है, व्यापार होता है, देश का क्या अर्थव्यवस्था होती है। ऐसे हमारे देश में मुट्ठी भर पूंजीपति, उनमें से कुछ के नाम आप जानते भी हैं, अडानी है, अंबानी है, रिलायंस है, अंबानी में भी अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है और भी बहुत सारे दूसरे बड़े बड़े पूंजीपति। आज हमारे देश में हम इन पूंजीपतियों को कारपोरेट कहते हैं, वित्त पूंजी कहते हैं, वित्त पूंजी के मालिक कहते हैं। वित्त पूंजी क्या है मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन इन घरानों की सेवा, इन घरानों ने मोदी को खड़ा किया। मोदी कोई जनता के वोट से चुन करके नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुना इन इजारेदार पूंजीपतियों ने, ताकि इनकी सरकार इजारेदारों की सेवा करे, और उसने सेवा की, खूब सेवा की। तेल के दाम बढ़ाकर, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, डीजल के दाम बढ़ाकर, जिस दिन से मोदी सरकार आई है हमारे देश में तेल के दाम घटे नहीं है, लगातार बढ़ते जा रहे। शुरू में दाम धीरे धीरे बढ़े, आज बहुत तेजी से बढ़ते। उसे जनता की सेवा अगर करनी होती तो तेल के दाम वो ये सरकार कम कर सकती, उसने कम नहीं किए। उसे इजारेदारों और बड़े बड़े सन्ना सेठों की सेवा करनी थी, उनकी सेवा में सरकार है। और इसीलिए हमारी पार्टी कहती है, हमारे पार्टी कांग्रेस के दस्तावेज में लिखा हुआ है कि ये सरकार बड़े कारपोरेट घरानों और बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपतियों, पूंजीपतियों में भी जो सबसे बड़े होते हैं, एक पूंजीपति 100 पूंजीपति के बराबर होता है, 1000 पूंजीपति के पास बराबर होता है, अकेले अडानी अंबानी के पास कम से कम 35 से 40 लाख करोड़ की संपत्ति। हमारे देश के इजारेदार इतने बड़े हैं
कि इनमें जो सबसे बड़ा है अडानी और अंबानी, उनके पास 35 से 40 लाख करोड़ की संपत्ति एक एक इजारेदार के पास है। अगर उसको बांट दिया जाए तो हमारे सारे किसान और सारे खेत मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। इतना इकट्ठा हो गया था, इतना कहां से आया? ये जनता से आया, खेत मजदूरों से आया, मजदूरों से आया, मेहनत करने वाले लोगों से आया, मध्यम तबकों ने, कर्मचारियों ने काम किया, उससे यह धन आया। तो ये धन तेल का दाम बढ़ा करके किया, इकट्ठा किया। तेल पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लागू की, 10 बार एक्साइज ड्यूटी लगाई गई मोदी काल में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम है तो एक्साइज ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी? जब सरकार 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जब सरकार 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो सरकार को 13,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। 13,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 रुपया एक्साइज टैक्स लगाने से। यह टैक्स 10 बार लगाया गया। पेट्रोल में टैक्स कितना है? जब आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो दिल्ली में 19 रुपया उसमें से एक्साइज सरकार की ड्यूटी लगाई हुई है, एक्साइज ड्यूटी। कितना मुनाफा होता होगा? डीजल पर 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है। इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है और दूसरी राज्य सरकारें हैं वह भी टैक्स लगाती है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर रहे थे, हमारे देश में दाम बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे देश की सरकारें एक्साइज ड्यूटी लगा रही थी। यह पैसा कहां गया? यह पैसा नंबर 1 सरकार के खाते में गया, छिपे हुए खाते में। इससे करप्शन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी के कोष में गया, पानी की तरह बहाते हैं वो चुनाव में पैसा। ये पैसा कहां से आता है? यहां से आता है, यह एक स्वरूप है। और तीसरा, बड़े बड़े इजारेदार घरानों को पैसे दिए गए, उनको फंड दिए जाते हैं, वो भी फंड देते हैं, सरकार भी कमा के जनता से इजारेदारों को फंड देती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अर्थशास्त्र। आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर तेल के बढ़ते हुए दामों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। इसको मौका मिल गया झूठा प्रचार करने का, झूठी बातें करने का। झूठ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है और इसलिए आज और भी तेजी से कमा रहे हैं। अब क्या होगा? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से और चीजों के दाम बढ़ेंगे, उनसे और भी मुनाफा होगा। वह मुनाफा बड़े बड़े विशाल पूंजीपतियों के पास पहुंचेंगे, उन्हें फायदा होगा, जनता को नुकसान होगा। यह परिस्थिति आज हमारे देश में कॉमरेड्स है। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीति और यह खतरनाक नीति। खतरनाक इस माने में है कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है बड़े बड़े घरानों की सेवा करना। इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम पिछले 4 सालों में नहीं किया है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस में इस बात पर गंभीरता से विचार किया। इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, वो आप पढ़ेंगे, मैं उसके विस्तार में जाने का मेरे पास समय नहीं है। हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे कि क्या खतरा है। आजादी के बाद इस देश के मजदूरों और किसानों, खेत मजदूरों और मध्यम तबकों के लोगों ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था पैदा की थी।
हमारे देश में बैंक हैं, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन, तेल का उत्पादन, खेती का उत्पादन, डीजल और ट्रैक्टर, भारी उद्योग, लोहा और इस्पात, इन सारी चीजों का निर्माण हमने किया आजादी के बाद। देश की जनता ने संघर्ष करके पब्लिक सेक्टर बनाया, सार्वजनिक क्षेत्र। आप सभी कॉमरेड सुनते होंगे कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र को बचाना चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, ये पब्लिक सेक्टर क्या है? ये वह अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो किसी पूंजीपति के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ। हमने ये कहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि अगर इस देश को मजबूत करना है, देश की जरूरतें पूरी करनी है और जनता की जरूरतें पूरी करनी है, तो लोहा, इस्पात, तेल, पानी, बिजली, मशीनें, यातायात के साधन, बस और रेलें, यह पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए, किसी पूंजीपति के हाथ में नहीं होने चाहिए। सन 1969 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया हमारे देश में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वे बैंक पहले इजारेदारों के थे, टाटा बिरला के थे, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, टाटा और बिरला और दूसरों से छीना गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पैदा हुए हमारे देश में। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए संघर्ष किया। आज गांव-गांव में, शहरों में बैंकों की शाखाएं, जिनसे छोटे उद्योग और खेती का काम चलता है। पहले हमारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद के पहले महाजनी की व्यवस्था थी, महाजनी का प्रचलन था। आप में से पुराने साथी जो हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको याद होगा, और आज भी सूदखोरी बहुत जगह चलती है। सूद देकर पैसा कमाना, पैसे से पैसा कमाना, यह भी एक खास तरह का पूंजीवाद है, सामंती किस्म का पूंजीवाद, पुराने किस्म का पूंजीवाद। इसे हम मार्क्सवाद की भाषा में वित्त पूंजी भी कहते हैं। पैसे से पैसा कमाना, कारखाने में लगा कर नहीं। तो 1969 में यह महाजनी खत्म की गई और उसके जगह राष्ट्रीयकृत बैंक आए। जब ये पब्लिक सेक्टर बन रहा था, जब ये बैंक बन रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, उस समय इसका नाम जनसंघ था, आरएसएस, इन्होंने इसका विरोध किया। आज ये पब्लिक सेक्टर खत्म करने की तैयारी कर रहा है, ये बैंक खत्म करने की तैयारी कर रहा है। बैंकों से जो बड़े बड़े कर्जे लिए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, वो कर्जे वो वापस नहीं कर रहे हैं। सरकार से बिल्कुल मुफ्त कर्जे अडानी, अंबानी और दूसरे घरानों को दिए जा रहे हैं, सस्ते में या मुफ्त में। इस बात को समझना पड़ेगा अगर आज की देश की राजनीति को समझना है। इन इजारेदारों को और भी बड़ा किया जा रहा है। हमारे और आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे जो बैंकों में जमा है, उस पैसे से, और इसीलिए नोटबंदी की गई। नोटबंदी में कहा गया कि जनता 2000 रुपए से ज्यादा या 4000 रुपए से ज्यादा पैसे एक दिन में नहीं निकाल सकती, लेकिन इन इजारेदारों के पास तो पैसों की कमी नहीं हुई, उनके पैसे तो ज्यों के त्यों बने रहे सुरक्षित। बल्कि उल्टे जनता से पैसे जो इकट्ठा किए गए नोटबंदी के दौरान, आपको याद होगा,
कि जनता को पैसे निकालने पर पाबंदी थी या सीमाएं बांध दी गई और रातों रात ये सारे के सारे पैसे बड़े बड़े इजारेदारों के पास पहुंचाए गए। ये सरकार बड़े इजारेदारों अडानी और अंबानी की पूरी तरह सेवा कर रही है 24 घंटा और इसलिए वो हमारे पब्लिक सेक्टर को खत्म प्राइवेटाइज कर रही है। निजी कारोबार के हाथ में पब्लिक सेक्टर, तेल के कारखाने, रेलवे, बिजली का काफी हद तक निजीकरण हो चुका है। लोहा और इस्पात के कारखाने, खदाने, कोयले की और दूसरी ये लगातार पब्लिक सेक्टर से निकालकर रिलायंस, अंबानी, अडानी और दूसरी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की भी नहीं, ये सरकार है बड़े व्यापारियों की। पूंजीपतियों में जो सबसे बड़े कारपोरेट इजारेदार घराने हैं उनकी ये सरकार है। इस बात को समझना अगर आज के देश की राजनीति को समझना है। इसलिए साथियों हमने ये नोट किया, हमने अपने पार्टी कांग्रेस के दस्तावेजों में नोट किया है, आप उसे पढ़िए और दूसरे साथियों को पढ़ाइए और बताइए। हमने ये नोट किया कि आजादी के बाद हमने जो काम किए अच्छे काम, आजादी के बाद जो कल कारखाने लगाए, खेती में पानी, बिजली और खाद सप्लाई करवाई, जो ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हुआ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होने लगा, खेत मजदूरों के संघर्ष चले, ज्यादा मजदूरी के लिए मजदूरों की लड़ाइयां हुई, किसानों की लड़ाइयां हुई, जनता के संघर्ष हुए, इन सबको यह सरकार खत्म कर रही है। मसलन उदाहरण के लिए लेबर कानून खत्म किए जा रहे हैं, श्रमिकों के सारे कानून जो हमने पिछली सरकारों से लड़कर लिए थे, बनवाए थे, वो खत्म किए जा रहे हैं। खेत मजदूरों को जो थोड़ी बहुत सुविधा हमने और भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने लड़कर दिलाए थे वो खत्म किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन की सारी उपलब्धियां खत्म की जा रही है। शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसे खत्म किया जा रहा है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमारे आजादी के आंदोलन की बातें हटाई जा रही हैं। हमने आजादी कैसे लड़ी, कौन से बलिदान दिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, पीसी जोशी, ऐसे डांगे, कम्युनिस्टों ने, भगत सिंह ने कौन से बलिदान दिए, ये बातें हमारे पाठ्यक्रम से हटाई जा रही हैं। पौनी, पौनी। कल की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को यह पता नहीं होगा कि हमारे आजादी की लड़ाई में हमने क्या बलिदान दिए। उन्हें सिर्फ पता होगा कि हिंदू और मुसलमानों ने आपस में दंगे कब किए, हिंदू मुसलमान, सिख और ईसाई लोगों की लड़ाई, उनके बीच में सांप्रदायिक मनमुटाव की नीति यह सरकार का मुख्य हथिया। जनता में अगर फूट रहेगी तो वो मिल करके लड़ नहीं सकते। जनता में अगर हिंदू मुसलमान की भावना पैदा होगी तो वह अपने आर्थिक लड़ाई के लिए, अपने वेतन के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार के लिए, चीजों के दाम कम करने के लिए वे लड़ नहीं पाएंगे। और इसलिए हिंदू मुसलमान लोगों को धर्म के आधार पर, सिखों और ईसाइयों को धर्म के आधार पर आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो, बांटो और शासन करो, ये अंग्रेजों की नीति थी, यही अंग्रेजों की नीति आरएसएस और भाजपा आज हमारे देश में लागू कर रही है। ये अंग्रेजों की नीति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस
ने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। ये बड़े व्यापारियों की पार्टी है, ये सामंतों की पार्टी है, जिन्हें देश की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं। आज तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं ऊंचा करके, लेकिन जब हमारे देश को आजादी मिली तो 1947 में इन्हीं आरएसएस और हिंदू महासभाइयों ने तिरंगे झंडे सारे देश में चलाए थे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? महात्मा गांधी जो हमारे देश के सबसे बड़े आजादी के नेता थे, राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, उसकी हत्या किसने की? नाथुराम गोडसे ने। और नाथुराम गोडसे को हत्या करने के लिए किसने भेजा? आरएसएस और हिंदू महासभाइयों ने षड्यंत्र रचा। इसलिए वह उनका विश्वास न इस देश की आजादी में है, न इस देश की संविधान, न पब्लिक सेक्टर में, न स्वतंत्र आर्थिक नीतियों में, न सही शिक्षा में है, न विज्ञान में है, न इतिहास में। वह हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं। वो हमारे आजादी की लड़ाई को गलत ढंग से लिखकर जनता के बीच में प्रचारित कर, खास करके नौजवान पीढ़ी के बीच में, एक बहुत बड़ा खतरा है आगे आने वाले समय के लिए। इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो भगत सिंह को गलत ढंग से पेश कर, भगत सिंह को एक धार्मिक व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन भगत सिंह ने लिखा है कि मैं नास्तिक हूं, मैं समाजवादी हूं। ये बात आरएसएस वाले छिपाते हैं। स्वामी विवेकानंद को गलत ढंग से पेश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था मैं समाजवादी हूं, समाजवाद से चिढ़ते हैं आरएसएस वाले। और इसलिए हमारे देश की आजादी के आंदोलन पूरे देश के इतिहास को, हमारे देश की संस्कृति को वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज सांप्रदायिकता देश पर हावी हो चुकी, और इसलिए 2014 में जब ये पार्टी आई सत्ता में, जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था ये साधारण चुनाव नहीं है, ये साधारण चुनाव नतीजा नहीं है, चुनावों का इस्तेमाल करके 1947 के बाद पहली बार एक दक्षिणपंथी शक्ति, दाएं बाजू की शक्ति कहते हैं हम इसे राजनीति में, हम वामपंथी हैं, यानी जो क्रांतिकारी परिवर्तन में विश्वास करते हैं, इसलिए हम वामपंथी कहलाते हैं, लेफ्टिस्ट। और एक होते हैं दाएं बाजू के दक्षिणपंथी, राइटिस्ट, जो क्रांति का विरोध करते हैं, समाजवाद का विरोध करते हैं, हर तरह के प्रगतिशील बात का विरोध करते हैं, उन्हें जनतंत्र में विश्वास नहीं है, उन्हें हमारे देश के संविधान में विश्वास है। ये ऐसी सरकार आई है, ऐसी सरकार आज केंद्र में आई है, जिनका नंबर एक आजादी की लड़ाई से कोई संबंध है, नंबर दो आजादी के बाद गांधी जी की हत्या की, नंबर तीन जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो इस संविधान का विरोध किया, धर्मनिरपेक्षता का के विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधी हैं, गणतंत्र के विरोधी हैं, प्रजातंत्र के विरोधी। जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण किया तो संविधान के मूल सिद्धांतों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, खास करके धर्मनिरपेक्षता, खास करके समाजवाद का, प्रजातंत्र और राष्ट्र और जनतंत्र को भी उन्होंने गलत ढंग से पेश किया। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा है
कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश पर हावी हो गई। यह पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा और दूसरी वामपंथी पार्टियों से अपील की कि आप भी मिलजुल कर इस लड़ाई में आइए, लेकिन दूसरी वामपंथी पार्टियों को देर लगी ये समझने में, ये कहने में, यह विश्लेषण करने में। सीपीआईएम ने देर लगाई, आपस में ही बहस करते रहे कि हमें कांग्रेस मुख्य दुश्मन है हमारा कि भाजपा मुख्य दुश्मन है। ये नरेंद्र मोदी आने के बाद भी सीपीएम के अंदर बहस चलती रही। अभी इस साल हमारी पार्टी कांग्रेस से पहले उनकी भी पार्टी कांग्रेस हुई है और उसमें उन्होंने अंत में यह स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा दुश्मन है और हमारी पार्टी कांग्रेस में आकर उनके जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सीताराम येचुरी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई दी है यह लाइन स्वीकार करने के लिए और इसके आधार पर देश में मिलजुल कर संघर्ष। इसलिए सही विश्लेषण जरूरी है, हमारा दुश्मन कौन है, कैसा है, उसका चरित्र क्या है, इसको समझना जरूरी है। उसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक विशेषताओं को पकड़ना ये कम्युनिस्टों के लिए जरूरी है। अभी जाकर हम अपना दिशा निर्देशन कर सकते हैं, तभी जाकर हम जनता को और देश को रास्ता बता सकते हैं। ये रास्ता हमने दर सन 2014 में बताना शुरू किया, इस सरकार को हटाओ, लेकिन उस समय कोई मानने को तैयार नहीं। उस समय लोग कांग्रेस विरोध में थे, मनमोहन सिंह की नीतियों के खिलाफ थे। उस समय उन्हें लगा कि मोदी की नीति और भाजपा की नीति, भाजपा हमें इन समस्याओं से मुक्ति देगी, कुछ नया काम करेगी, तो कम से कम 2 साल तक तो हम अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें सही साबित होने लगी, लोगों ने अपने अनुभव से समझना शुरू किया कि इस सरकार का चरित्र, असली चरित्र क्या है, और तब जाकर आज सभी ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमारे देश पर कांग्रेस जरा बात कर, महिलाओं को बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है, नारी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बातें सुनिए, आपस में बातें मत कीजिए, समझिए और मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद सवाल कीजिए। तो साथियों, आज सभी के समझ में आ रहा है कि नोटबंदी क्या है, जीएसटी क्या है। जीएसटी पेट्रोल पर क्यों नहीं लागू है भाई, सारे देश में हम एक टैक्स का सिस्टम खड़ा करेंगे, ठीक है, हर चीज पर उन्होंने टैक्स लगाया, जीएसटी भी एक धोखा है, लेकिन कम से कम उसमें कुछ अंकुश है। पेट्रोल पर क्यों नहीं लगाया जीएसटी, सरकार ने तो नहीं लगाया पेट्रोल पर, मालूम है ना ये कि नहीं मालूम, सर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं है, बाकी सारी चीजों पर है, सब्जी और फल और कपड़े सब चीज पर, खेती का सामान, खेती का पैदावार पेट्रोल डीजल पर नहीं है, क्योंकि इनका पहले से इनका षड्यंत्र था कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे और उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल, अंकुश, नियंत्रण नहीं होगा, कोई उस पर रोक टोक नहीं होगी, और इसलिए जब हम टैक्स लगाएंगे तो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं कर पाएगा। आज बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं, तो नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल का दाम बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, सरकार ये दावा करती है कि हमारा देश विकास कर रहा है, विकास तो कर रहा है लेकिन पैसा बड़े पूंजीपतियों के पास जा रहा है, विकास तो कर रहा है लेकिन हिंदू मुसलमान झगड़े भी बढ़ाए जा रहे हैं, आदमी मारे जा रहे हैं लेकिन गाय मारने के नाम पर
लोगों की हत्याएं हो रही है अल्पसंख्यकों की, खास तौर पर वामपंथी लेखक माने जा रहे हैं, ये कोई साधारण बात है? हम अगर कुछ लिखते हैं सरकार के खिलाफ, किताब लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं, डराया धमका जाता है परिवार को और फिर हमारी हत्या होती है। हमारे एक बहुत बड़े नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, महाराष्ट्र के, उनकी हत्या की गई। कर्नाटक के एक बहुत बड़े लेखक, उनकी हत्या की गई। और बहुत सारे कॉमरेड पानसरे, गोविंद पानसरे, नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम, कॉमरेड गोविंद पानसरे, नाम याद रखिए, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, महाराष्ट्र पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, सचिव थे एक जमाने में, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के खिलाफ लिखा करते थे, तो उनकी दिन दहाड़े जब सुबह में घूम करके लौट आ रहे थे तो उन पर और उनकी पत्नी पर गोलियां चलाई गई, वो मारे गए, उनकी पत्नी आज भी घायल रहती हैं। उसके खिलाफ सारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला पार्टी के नेतृत्व में, और दूसरी पार्टियों के भी लोग आए और उन्होंने कहा कि ये गलत काम हो रहा है। कर्नाटक में एक बहुत बड़े पत्रकार, महिला पत्रकार की हत्या की गई, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है आज भी, दबोलकर की हत्या की गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उन पत्रकारों की हत्या की जा रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ लिखते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं, उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और इसलिए हमारी पार्टी समझती है कि आज देश फासिस्ट तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारा देश, हमारे देश की शासक पार्टी बहुत कुछ वैसा ही काम कर रही है जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था और इटली में मुसोलिनी ने किया। हिटलर की नीतियों से जन आंदोलन और जनता को कुचला गया, लाखों की संख्या में लोगों की हत्या की गई, वर्ल्ड वार हुआ जिसमें फासिज्म की हार हुई, लेकिन आज भी फासिज्म की शक्तियां जिंदा हैं। फासिज्म का मतलब होता है एक खास तरह की तानाशाही, फासीवाद या फासिज्म जनतंत्र खत्म करता है, प्रजातंत्र खत्म करता है, डेमोक्रेसी खत्म करता है, जनता के हाथ से वो सारे अधिकार छीन लेता है जिसे उसने लड़ करके हासिल किया। आज हमारे देश में उसी चीज का खतरा है, यही आरएसएस फासिज्म को मानती है, ये आरएसएस सांप्रदायिकता को मानती है, और इसलिए हमने कहा है सांप्रदायिक फासिज्म, कम्युनल फासिज्म हमारे देश पर चरम सांप्रदायिक शक्ति का कब्जा हो चुका है। चरम दक्षिणपंथी ताकत, तानाशाही की ताकत, जो किसी भी विरोध का सामना नहीं कर सकती, उसे सह नहीं सकती, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, आप उसके खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते, वो दूसरे दलों की जीत को सह नहीं सकती, अखबारों और टीवी में आलोचना सुन नहीं सकते, वो कन्हैया जैसे नेता को दबाने के लिए पूरे पुलिस और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे इस तरह की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। इस तरह का तंत्र
जिस तरह की सत्ता, जिस तरह की सरकार आज हमारे देश पर हावी है, आज हमारे देश की आजादी की जितनी परंपराएं हैं वह खतरे में। हमारे इतिहास, हमारे धर्मों, सभी धर्मों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों की जो अच्छी परंपराएं हैं खतरे में है। आजादी के बाद हमने जो कुछ हासिल किया सभी क्षेत्रों में वह खतरे में है। और इसलिए साथियों, हम इस नतीजे पर पहुंचे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस खतरे को रोकने के, इस खतरे को आगे बढ़ने से रोकने और पीछे धकेलने के, और इस खतरे को खत्म करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हमारे साथ, और वो ये है कि देश की सारी जनता एक हो, फैक्ट्रियों का मजदूर, खेतों और खलिहानों का मजदूर और किसान, खेत मजदूर, महिलाएं, युवा, पढ़े लिखे मध्यम तर्क तबके, टीचर, वकील, स्टूडेंट, छोटे और मझोले उत्पादक, मालिक, दुकानदार, ये सभी एक हों और मिलकर देश में एक बड़ा जन आंदोलन करें। हम अभी तक मजदूरों और किसानों की बात करते थे, मध्यम तबकों की बात करते, लेकिन आज छोटे और मझोले जो पूंजीपति हैं, जिनके छोटे कारोबार हैं कपड़ा बनाने के, बर्तन बनाने और बेचने के, दुकानें सड़कों पर दवाएं बेचते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं, बनाते हैं, ये इन उद्योगों पर भी खतरा है, इनके मालिक भी नाराज हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार आजादी के बाद लाखों लाख कारखाने बंद हो चुके हैं और उन कारखानों के मालिक और मजदूर दोनों बेकार हो रहे हैं। एक नई परिस्थिति, अजीब परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई। इस देश की अर्थव्यवस्था बंद हो रही है, इस देश की राजनीति खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, और इस देश की विचारधारा जो आजादी की लड़ाई की प्रगतिशील विचारधारा है उस पर भी खतरा मंडरा रहा। और इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि सभी पार्टियों को एक जगह आना पड़ेगा। विरोध की जितनी पार्टियां हैं, गैर भाजपा, भाजपा को छोड़कर जो वामपंथी हैं, मध्यम मार्गी हैं, जनवादी हैं, इस देश में विश्वास रखती हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो धर्म के अधिकार की रक्षा चाहते हैं और जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर आना पड़ेगा। सभी पार्टियों को भाजपा आरएसएस को हटाने के लिए एक मंच पर आना पड़ेगा। एक मंच बनाने का आह्वान इस सारे देश के पैमाने पर सभी पार्टियों, सभी वर्गों, सभी जनता का मंच, इसका आह्वान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज किया है। कलम से 23वीं पार्टी कांग्रेस, इन सारी पार्टियों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, मतभेद हैं। अभी हम उन मतभेदों और नीतियों में नहीं जाना चाहते, अभी हम उस पर बहस नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि कांग्रेस या आरजेडी या जेडीयू या जेडीएस या एडीएमके या डीएमके या मुलायम समाजवादी पार्टी और भी जो पार्टियां होंगी, इस देश में सैकड़ों पार्टियां हैं और दूसरे संगठन, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, हमारे उनके अपने मतभेद हैं। हमारे और उनके विचार हर चीज पर, हर विषय पर नीतियां नहीं मिलती, लेकिन एक बात पर सभी सहमत होते जा रहे हैं, तो वो यह है, ये आरएसएस भाजपा को हटाओ।
नहीं तो देश को ही खतरा है। ये तो हमारे मतभेद है आर्थिक नीतियों के, खेती का विकास कैसे हो, उद्योग का विकास कैसे हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, रोजगार कैसे हो, विदेश से हमारे संबंध क्या हो, और भी दूसरे सवालों पर जो भी विचार है वो मतभेद बाद में हम उस पर बहस कर लेंगे। लेकिन आज हर पार्टी पर खतरा है, हर व्यक्ति पर खतरा जो सही सोचता है, हर सही बात पर खतरा है, इस देश की एकता पर खतरा है। और इसलिए साथियों ये एक बहुत बड़ा आह्वान, एक बहुत बड़ा कॉल, एक बहुत बड़ा उद्घोष कोल्लम की 23वीं पार्टी कांग्रेस से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, सारे देश की जनता के लिए, सारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि आओ आइए हम सब मिलकर जनतंत्र के लिए, देश की एकता के लिए, जनता के लिए, इस देश को बचाने के लिए मिलकर काम करें और आने वाले चुनाव में कोशिश करें आपस में तालमेल करने की, आने वाले समय में मिलजुल कर हम संघर्ष करें, आने वाले समय में हम जनता को बताएं और गोलबंद करें। आपको बताया गया, अभी आपके पार्टी सचिव ने बताया और कॉमरेड रविंद्रनाथ राय ने भी बताया कि आगे आने वाले महीनों में बहुत सारे संघर्ष हमारी पार्टी अकेले और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर करने जा रही है। हम गंभीरता पूर्वक समझते हैं कि जल्दी से जल्दी यह सरकार जाए, इस सरकार की जगह दूसरी सरकार पर, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश को, हमारे जनतंत्र को, हमारे समाज को, हमारी जनता को खतरा है। और उस वो जब खतरा हाली हो जाएगा तो हम बच नहीं पाएंगे, तब हम इस तरह से बैठ नहीं पाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे, मीटिंगें नहीं कर पाएंगे। हमारी आजादी, जनता की आजादी खतरे में है। फासिज्म और सांप्रदायिकता जनता और देश पर हावी हो गई है, इसे देश से हटाना, और इसके लिए हमने एक नारा दिया है, धर्म निरपेक्ष, जनतांत्रिक या जनवादी वामपंथी शक्तियों की एकता, उनका मंच बनाया जाए, वाम जनवादी शक्तियां इसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करें, जो वामपंथी पार्टियां हैं वह आपस में ज्यादा तालमेल करें, एकता पैदा करें और दूसरी शक्तियों को लाएं अपनी तरफ। और कॉमरेड्स, इस काम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विशेष भूमिका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहल की है और इसका स्वागत किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सक्रिय होना पड़ेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ज्यादा मेहनतकश होने चाहिए, ज्यादा युवा होने चाहिए, मजदूर होने चाहिए, किसान होने चाहिए, खेत मजदूर होने